पर आप देखेंगे कि जीत के बाद गोकुल सेतिया का जो आवास है वहां पर सभी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा जश्न का माहौल है और सभी लोग बधाई देने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है और गोकुल सेतिया इस समय आप देख रहे हैं कि सभी से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि हालांकि जो रोड शो है वो निकालने की परमिशन नहीं थी, इसलिए सीधे आज यहाँ पर गोकुल सेतिया पहुंचे हैं और आवास पर आप देखेंगे कि कार्यकर्ताओं का हजूम देखेंगे कि जो बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें इस समय सीधी गोकुल सेतिया के आवास के दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बधाई देने वालों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। गोकुल सेतिया के आवास पर तस्वीरों में गोकुल सेतिया आपको नजर आ रही है, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं गोकुल सेतिया के आवास पर, जहां पर कार्यकर्ताओं का बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। आप देखेंगे कि कितने ज्यादा जोश के साथ जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। गोकुल सेतिया आप देखिए कि गोकुल सेतिया से मिलने के लिए लोग किस तरह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, सारी जनता ने एक तरफा माहौल कर दिया। बहुत बढ़िया माहौल जी, आपने देखा कि किस प्रकार से जनता ने इस बार अपने भाई को आशीर्वाद देने का काम किया और अच्छे मार्जिन से चुनाव जिताया। और बाकी पूरा मेरी तरफ से प्रयास रहेगा कि मैं सिरसा की जनता की उम्मीदों पे खरा उतरूं। सिरसा की जनता ने बहुत बहुत बड़ी उम्मीदें लगाई हैं, किस तरह से लोगों की उम्मीदों को साकार करेंगे और किस तरह से सिरसा का विकास होगा? देखिए, अपनी तरफ से पूरे प्रयास करूंगा, जितना भी हुआ दिन रात एक करेंगे सिरसा के लोगों की सेवा में। बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं 5 साल के अंदर। सबसे पहली कलम से क्या काम रहेगा? कलम तो अब देखेंगे, अब हमारी कलम के अंदर क्या कुछ आ सकता है, क्या कुछ काम हम कर सकते हैं, तो पहले सारी स्टडी करके किस प्रकार से शुरुआत करनी है और उसके साथ साथ जो बेस्ट हो सका वो करेंगे। उसके लिए पहले तो देखो यही उम्मीद थी कि सरकार कांग्रेस पार्टी की एक तरफ आएगी, लेकिन अब जो भी लोगों ने मैंडेट दिया वो सिर माथे, तो अपनी आवाज बुलंद करेंगे, उठाएंगे विधानसभा के अंदर नशे के खिलाफ। वो देखते हैं कांग्रेस ने आवाज उठाई, अभी बयान आया है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कि 30 सीटों पे बीजेपी ने गड़बड़ी की है ईवीएम के माध्यम से। मुझे जानकारी नहीं, मैंने देखा नहीं बयान जी, तो मुझे उचाना से 39 वोट से वीरेंद्र सिंह के बेटे को हराया गया, डिक्लेयर किया गया। मुझे आइडिया नहीं, मैंने देखी न्यूज। किसको देना चाहेंगे? मैं सरसा की काम किया तो मैं तो यही कहूंगा, मैं इनके चरणों की धूल। धनबल की राजनीति को धूल चटाने का काम किया गया है जनता के द्वारा। देखिए, मैं ये कहूंगा, फिर भी कहीं ना कहीं कोई बुरा ना माने जो मेरी बात सुन रहा है, जिस प्रकार के वोट अपोजिशन को भी आए हैं, जिस प्रकार से उनकी एब्सेंस थी फिर भी वोट लेके गए, जिस प्रकार से पैसा चला, मैंने एक चीज देखी कि जनता, काफी जनता इस प्रकार की है जिन्होंने काम से कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ एक चीज से मतलब है और वो चीजें फिर भी दिखी। तो जब तक वो खुद ही अपना भला नहीं सोचेंगे तो फिर कौन उनके लिए आके कोई कुछ करेगा। बिल्कुल, पैसे का रोल रहा इस चुनाव में? सारे इलेक्शन में रहा जी, इसमें रोल पूरा रहा जी, बहुत रोल रहा। वोटिंग के दिन भी बड़ा घमासान देखा गया है सिरसा में, इसलिए काउंटिंग रुकी जी। आज भी मतगणना के टाइम पे भी काउंटिंग रोकी गई थी, वहाँ पर भी विवाद देखा गया था? नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ काउंटिंग में, वो तो कुछ लोग वहाँ पे जो बैठे थे काउंटिंग में वो कह रहे थे कि जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग आ गए थे तो खाना नहीं खाया था उन्होंने, तो वो बस उस करके थोड़ा सा आपस में प्रशासन के साथ उनका हुआ था, और कुछ ऐसी खास बात। क्या मैसेज देना चाहेंगे सिरसा की जनता को, इतनी बड़ी जीत दिलवाई है? बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि इसी तरीके से आशीर्वाद बना के रखिएगा, बाकी सिरसा वालों की उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करूंगा।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल जी। तो बिल्कुल तस्वीरें आपको गोकुल सेतिया के आवास से दिखाई, जहां पर आपने देखा कि गोकुल सेतिया के यहां पर आभार जतन सिरसा की जनता यहां पर उनके जो स्वागत के लिए पहुंची हुई है, और लगातार जो गोकुल सेतिया है उनका सिरसा की जनता का आभार जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो बिल्कुल सीधी इस समय आपको गोकुल सेतिया के आवास की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहां पर पहुंचे हैं और गोकुल सेतिया को जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं गोकुल सेतिया को बधाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।